दोस्तों मार्केट में जो भी चीज मिलती है आप उस पर देखेंगे कि उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। इसी तरह से हमारे घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, बार बार हम देखते हैं कि वही सिलेंडर बार बार रिपीट करके आता है। तो हमारे मन में यह प्रश्न जरूर कभी कभी आता है कि ऐसा तो नहीं हमारा जो सिलेंडर है वो कमजोर हो गया है, सिलेंडर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हो सकता है, क्योंकि अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुई तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। तो उस कारण से हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि कहीं हमारा सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो अगर आपके मन में यह प्रश्न कभी आया हो कि आपका सिलेंडर एक्सपायर हो गया है कि नहीं हो गया है, कैसे आप जानेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको इसके भी सब जानकारी मिल जाएगी। देखिए, जब भी आप सिलेंडर को देखेंगे तो उसमें तीन आर्म, जो सिलेंडर बेलना का जो पूरा सिलेंडर होता है उसके ऊपर तीन आर्म होते हैं, एक दो तीन, तीन आर्म होते हैं। उसके ऊपर एक रिंग होती है, उस रिंग के नीचे जो तीनों आर्म होते हैं उन्हीं आर्मों में कुछ वर्ड आप देखेंगे कि ए बी सी डी, ये चार कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर लिखा होगा और उसके साथ कुछ अंक लिखे होंगे, जैसे कि 11, 12, 21, 22, 24, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये जो वर्ड लिखे रहते हैं इसी में सिलेंडर की एक्सपायरी से संबंधित पूरा पूरा डाटा मौजूद होता है। जो आपका सिलेंडर है वह क्योंकि मेटल का बना हुआ होता है, काफी अच्छी गुणवत्ता का बना हुआ होता है, इंडियन ऑयल के अनुसार वह काफी बढ़िया होता है, इसीलिए वह काफी लंबे समय तक हम उसका यूज कर पाते हैं, इंडियन ऑयल ऐसा कहता है। तो उसमें क्या होता है कि उस सिलेंडर की जो उस समय की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने की वो डेट लिखी हुई होती है। साल के 12 महीनों को चार क्वार्टर में बांट दिया जाता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च को ए बोला जाता है, अप्रैल मई जून को बी बोला जाता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर को सी बोला जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर को डी बोला जाता है। तो मतलब ये हुआ, अगर ए लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च तक तो ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल लगेगा वह सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो है वह चेक करने का समय। आप जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, B13 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस सिलेंडर की आप चेकिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वह सिलेंडर एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर बी लिखा हुआ, बी मतलब ये हुआ कि दूसरा क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर मतलब हुआ कि अप्रैल मई जून, मतलब ये 3 महीने हो गए, उसके बाद 1 जुलाई और 13 लिखा हुआ है, तो 13 का मतलब हो गया 2013, मतलब 1 जुलाई 2013 को उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेक करने की डेट है। उस डेट को उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है और फिर अगर उसकी स्ट्रेंथ सही हुई तो उसको फिर से मार्केट में भेज दिया जाता है पूरी तरह से वर्क करने के लिए। तो इसी तरह से यदि लिखा हुआ है B21 या C21 लिखा हुआ, C का मतलब ये हो गया कि जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद मतलब 1 अक्टूबर 2021 को इस सिलेंडर की स्ट्रेंथ चेक करने की डेट है। उसके बाद अगर वो सिलेंडर सही पाया जाता है, जो उनके पैमाने हैं उस पर सही पाया जाता है, इंडियन ऑयल के पैमाने पर, तो ही उसमें सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग की जाएगी, अन्यथा उस सिलेंडर को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि कई जगह पर यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि वो सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है, एक्चुअली में एक्सपायरी डेट नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने की डेट है। अगर वो उनके जो पैमाने हैं, मानक है, उस पर यदि वो सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से उसको फिलफिल करता है तो ही उसमें सिलेंडर में गैस भरी जाएगी, अन्यथा उस सिलेंडर में गैस नहीं भरी जाएगी। तो इस तरह से आप ए बी सी डी का मतलब ये हुआ कि चारों क्वार्टर में से जो भी क्वार्टर आपका, मान लीजिए डी है तो डी का मतलब हो गया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी को और जो साल लिखा होगा उसमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करने की डेट होगी। तो इस तरह से आपके घर में जो एलपीजी का गैस सिलेंडर है उसकी स्ट्रेंथ चेक करने की, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, वो वर्किंग में सही से है कि नहीं है, उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आज वीडियो बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।